कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बृहस्पतिवार को भगवानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय को राज्य का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बनाया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय के लिए कई और योजनाओं की भी स्वीकृति प्रदान की। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने धौड़ा पानी से परिसर तक सुगम पहुँच मार्ग बनाने और कक्षाओं की स्वीकृति दिलाने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अपने पिता की स्मृति में छात्रवृत्ति के लिए 2 लाख रुपए देने का आश्वासन देते हुए किताबों के लिए 3 लाख, फर्नीचर के लिए 2 लाख और कॉलेज में अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। महाविद्यालय के नगर के स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन का अवसर है और जाति छात्र संघ समारोह भी आयोजित किया गया। इसमें क्योंकि विद्यालय से मेरे द्वारा सूचित कराया गया है 2004 से और तब से भवन से लेकर जितने काम थे, तो मेरा एक अपना इस विद्यालय के साथ एक गहन नाता भी है। स्वर्गीय पिताजी के नाम से जो महाविद्यालय है, आज उन्होंने जो मांगी की थी उन मांगों में उनका जो फर्नीचर कॉलेज का उस कार्य के लिए उनकी किताबों का के साथ साथ फैब्रिकेटेड रूम तक की बात की गई है, रास्ते की बात की गई, तो मेरे द्वारा करीबन 25 लाख रुपया के आसपास विद्यालय के लिए विधायक निधि से देने की मैंने घोषणा की। और साथ ही शासन स्तर पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा जिसमें PG क्लासेज में कई सब्जेक्ट खोलने की बात थी, उस पर उसके क्रियान्वयन के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चूँकि कई फैकल्टी हो गई और ये महाविद्यालय प्रदेश का अकेला ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर BSc होम साइंस भी है, लेकिन अभी तक होम साइंस के विद्यार्थियों के लिए कोई उनकी अलग से जो होम साइंस का भवन बनना है वो नहीं बनकर तैयार है। तो कमियाँ हैं विद्यालय महाविद्यालय में, लेकिन उनको बहुत शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि काफी लंबे समय से नरेंद्र नगर में केंद्रीय विद्यालय को खोले जाने की स्थानीय जनता की मांग रही है। आसपास के गांव के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ऋषिकेश जाना पड़ता था, लेकिन कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के अथक प्रयासों से अब नरेंद्र नगर को एजुकेशन हब बनाने का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। कृषि मंत्री व स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल से खबर इंडिया के संवाददाता विनोद गंगोटी से दूरभाष पर हुई बात में बताया कि वह क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से मुलाकात की गई और उनसे, क्योंकि पिछली सरकार में तकरीबन स्वीकृति में जो सेंट्रल स्कूल था, जो कि यहाँ से जो कुछ क्वेरीज मांगी गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसमें विलम्ब होने के कारण आचार संहिता से पूर्व क्वेरीज जा नहीं पाई थी, और मैंने उनसे सारी पूरे विस्तृत रूप से बात की और उन्होंने उसको बहुत गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से नरेंद्र नगर के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कर दिया जाएगा। पहाड़ की प्रतिभाएं लगातार उभर कर सामने आ रही है। सौंदर्य बॉलीवुड सेना खेल हर क्षेत्र में पहाड़ की बेटियों ने देवभूमि में ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पौड़ी के एक छोटे गांव में उत्तराखंड जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के धारी गांव की बेटी वर्णिका रावत ने मलेशिया में आयोजित मिस एंड मिस्टर एम्बेसडर यूनिवर्स 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व कर 5वां स्थान प्राप्त किया। नमस्ते, मेरा नाम वर्णिका रावत है, मैं पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ, धारी गांव से बिलोंग करती हूँ और बेसिकली अभी मैं ऋषिकेश में रह रही हूँ और मैं अभी मिस टूरिज्म एम्बेसडर यूनिवर्स कॉन्टिनेंटल 2019 का किताब जीता है और ये क्राउन उसी का है, तो मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ और मुझे यही मैसेज देना है कि बाकी जैसे आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, बाकी सभी मेहनत करें, स्ट्रगल करें और अपनी लाइफ में हर सक्सेस अचीव करें, वो मुझसे भी ऊपर पहुंचेंगे। आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं क्या पता और ऊपर हूँ, बस सबके यही मैसेज है, डू हार्ड वर्क एंड कीप स्माइल एंड अचीव ऑल द सक्सेस। और मुझे जैसे कि अभी मैंने सुना है कि हमारे
गांव से एक महिला निकली है, लड़की निकली है जो कि रेलवे उसमें संचालक के उसमें, तो मुझे बहुत गर्व की बात है ये मेरे लिए कि हमारे ही उत्तराखंड से काफी बेटियां निकल रही हैं। तो ऐसे ही करके सब आगे बढ़ते रहें और अपना मुकाम हासिल करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। देवप्रयाग विधानसभा में इन दिनों हिल टॉप नाम से बिक रही शराब खूब चर्चे में है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय ग्रामीणों में इस शराब की बिक्री को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बताते चलें कि वर्ष 2016 में देवप्रयाग विधानसभा में खुल रही शराब फैक्ट्री का भारी विरोध हुआ था। क्षेत्रीय जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन किया, लेकिन सरकार बदलते ही शराब फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ और आज इसका परिणाम है कि हिल टॉप नाम से देवप्रयाग क्षेत्र में शराब उपलब्ध हो चुकी है। इससे पहले 2016 में जब शराब की फैक्ट्री के स्थान पर मिनरल वाटर फैक्ट्री की मांग क्षेत्रीय जनता की रही, हमने उस आंदोलन को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाया और सरकार ने हमको उस पर, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने और स्थानीय विधायक मंत्री प्रसाद नेथानी जी ने हमको ये आश्वासन दिया था कि यहाँ पर शराब की फैक्ट्री के स्थान पर मिनरल फैक्ट्री खोली जाएगी और लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार आई तो स्थानीय विधायक ने बिना किसी हस्तक्षेप के इस फैक्ट्री के ऊपर किसी बयानबाजी के बिना जो है इसका प्रचंड तरीके से इसका काम को आगे करा, इसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया और आज जो है यहाँ पर शराब जो है लोकल में, लोकल के ठेकों में, लोकल की शराब की दुकानों में यहाँ की शराब पहुँच चुकी है। देवप्रयाग नगरी की उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक पहचान है, एक विश्व की धरोहर है देवप्रयाग, और देवप्रयाग के नाम से अब शराब बिक रही है। हमें बड़ा इसका कष्ट होता है जब हम सुनते हैं कि देवप्रयाग के नाम से शराब उत्तराखंड में बिक रही है। यहाँ की कंपनी ने क्षेत्रवासियों से वायदा किया था कि जो शराब होगी वो राज्य से बाहर बेची जाएगी, तो एक तरह से वादा खिलाफी हुई है। अब बात करते हैं रोजगार की। हमने कहा था कि आप योग्यता के अनुसार क्षेत्रवासियों को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पर योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएट लड़के से लेकर के हाई स्कूल फेल लड़का एक ही काम के लिए चुना जा रहा है, जिसका हमको बड़ा खेद है। हम चाहते हैं कि जब फैक्ट्री खुल गई है और जब स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन देकर के फैक्ट्री का निर्माण कार्य करवा दिया है और उन लोगों की स्वीकृति है, तो अब जो रोजगार दिए जाएं वो योग्यता के अनुसार दिए जाएं। यदि योग्यता के अनुसार जॉब नहीं दी जाती है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो इसका पूरा विरोध होगा और इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। और मेरा उत्तराखंड क्रांति दल का पूरा परिवार ग्रामीणों के और युवाओं के, बेरोजगारों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ेगा। और हमारी मांग ये है कि जो देवप्रयाग के नाम से, हिलटॉप नाम से जो शराब मार्केट में आई है, इसको तुरंत बंद करके इसकी सप्लाई राज्य से बाहर होनी चाहिए। अगर आप शराब बना ही रहे हैं, इसे बेच रहे हैं, तो इसे राज्य से बाहर बेचिए। राज्य के अंदर इसे बेचने का मतलब एक बहुत बड़ा कलंक साबित हो रहा है और इस कलंक को लगाने में वर्तमान विधायक का और पूर्व विधायक का, वर्तमान सरकार का और पूर्व सरकार का बड़ा योगदान है। देवप्रयाग विकास खंड के हिसरी खाल पट्टी से जुड़े 15-20 गांव के ग्रामीण इस फैक्ट्री से प्रभावित हैं। देवप्रयाग क्षेत्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थापित है। यह क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में भी सम्मिलित है, इसलिए देवप्रयाग क्षेत्र का शराब की दुकानों से हिल टॉप नाम की शराब उपलब्ध होने से स्थानीय ग्रामीणों में और समाज सेवियों में भारी आक्रोश है। सो हमारा आबकारी, उत्तराखंड की आबकारी पॉलिसी है 2016 की, उस पॉलिसी के तहत उनका जो उसका शर्त है उसके अधीन उनका परमिशन मिला होगा। वो बॉटलिंग प्लांट है उसका, बाहर से लाके वो मिक्सिंग और जो ब्रांड बनाएंगे, सो उस आबकारी निधि के तहत मिला है। और उसके अलावा इनका जितना भी एनवायरमेंटल नॉर्म्स है और इसका लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट का, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का जो भी प्रोसेस है, और बाकी इनका जो इंडस्ट्री MSME पॉलिसी के तहत इनका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम्स है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लगाया गया है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत। सर, जो इसके विरोध हो रहा है इसमें आपका क्या कहना है, वहाँ की जनता विरोध? इस संबंध में हम लोग हमारा कंसल्टिंग विभाग से भी इसका जानकारी ले लेंगे और हमारा SDM भी लगातार फील्ड में है, वो लोग भी जो किस प्रकार का शिकायत आ रहा है उसका, अगर पॉलिसी के खिलाफ है या कोई एनवायरमेंट नॉर्म्स को या कोई जिस शर्त के अधीन इनका परमिशन मिला है उसका अगर कोई वायलेशन हो रहा है
उसको हम लोग देखेंगे।